नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर मिल रही है चिनोर से। चिनोर कब्जा हटाने के एवज में चिनोर तहसील के रीडर बाबू कुलवंत सिंह रावत को 15,000 रुपए रिश्वत के साथ लोकायुक्त टीम ने 7 नंबर चौराहे के पास पकड़ा है। एक बार फिर आपको बता दें, चिनोर कब्जा हटाने के एवज में चिनोर तहसील के रीडर बाबू कुलवंत सिंह रावत को 15,000 रुपए रिश्वत के साथ लोकायुक्त टीम ने 7 नंबर चौराहे के पास से पकड़ा है। संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। भांडेर अनुभाग के दोसड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बसवाहा में महेंद्र नामदेव के मकान में बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 1 लाख के आसपास सामान जलकर हुआ खाक। आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। भांडेर अनुभाग के दुरसड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बसवाहा के महेंद्र नामदेव के मकान में 30 मार्च 2021 को देर रात्रि मकान के कमरे में लगी आग, जिसमें 1 लाख के आसपास का बताया जा रहा नुकसान। वहीं महेंद्र नामदेव ने बताया कि वह अहमदाबाद में करता था काम और वहां से काम कर 20,000 से 25,000 रुपए के आसपास लेकर के आया था। रुपए जो इसी कमरे में रखे हुए थे, वहीं मूंगफली भी बेचने के लिए रखी हुई थी। अनाज भी इसी कमरे में रखा हुआ था और कपड़े की थान आदि इस कमरे में रखे हुए थे, जो चलकर राख हो गई। सभी चीजें मिलाकर 1 लाख के आसपास का बताया जा रहा है सामान जो चलकर राख हो गया। देश के साथ ही ग्वालियर शहर में दिनों दिन बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन पर स्थानीय प्रशासन भी उक्त वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और लोगों को बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा है। इसी के चलते मंगलवार की रात्रि भितरवार नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली द्वारा करेरा तिराहे पर भितरवार नगर परिषद के सहयोग से बगैर मास्क पहने निकल रहे दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर मास्क ही निकल रहे वाहन चालकों को रोककर उनके चालान काटे गए और उन्हें मास्क पहनाया गया। दिनों दिन ग्वालियर शहर ही नहीं, भितरवार अंचल में भी कोरोना वैश्विक महामारी का संक्रमण फैलने लगा है, जिससे हर आमजन को बचाने के लिए नियमित रूप से रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। मंगलवार की रात्रि अत्यधिक वाहनों की आवाजाही होने के कारण नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली द्वारा जो अभियान चलाया गया था, इस दौरान 31 वाहन चालकों को रोका गया और उन्हें मास्क लगाने के लिए टोका भी गया है। खबर डबरा से मिल रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे अपने गृह नगर डबरा। महावैष्णो देवी जम्मू की यात्रा करके अपने समर्थकों के साथ वापस लौटे गृह मंत्री। उनको लेने सैकड़ों की तादाद में स्टेशन पहुंचे समर्थक। समर्थकों ने नारेबाजी करके किया अपने नेता का स्वागत। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की खास रिपोर्ट। होली के रंगों के साथ भाई दूज पर भाई बहन का प्यार भी उमड़ता नजर आया। टीका कराने के लिए भाई अपनी बहनों के यहाँ सुबह से देर शाम तक पहुँचते रहे। भितरवार नगर सहित अंचल में भाई दूज का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिन भाइयों की बहनें दूर थीं, वे उनके घर टीका करने पहुंची। नगर में बहनों ने घरों के दोजी सजाई और उनकी पूजा अर्चना की। भितरवार में भाई दूज के अवसर पर कायस्थ समाज द्वारा चित्रगुप्त की पूजा की गई। भाई दूज को लेकर बहनों ने भाई की कुशलता और लंबी उम्र की कामना के लिए घर में पूजन भी किया। भाई दूज को लेकर एक पौराणिक कथा भी है कि स्वयं की बहन यमुना ने अपने भाई के बर मांगा था, जो कि भाई इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके अपनी बहन के यहाँ भोजन करे, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि यही वही दिन है जब हमने अपनी बहन यमुना का सत्कार स्वीकार कर उसके घर भोजन किया था। मंगलवार को भाई दूज के पर्व को लेकर बहनों में अपार खुशी नजर आ रही थी। नसीलागंज थाने में ऊंचा महिला हेल्प डेस्क को लेकर ही थाना प्रांगण में एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। हमारे संवाददाता पवन महेश्वरी ने बताया कि अब महिलाओं को शिकायत के लिए नहीं भटकना पड़ेगा इधर से उधर, अब एक ही स्थान पर महिलाओं की शिकायत का किया जाएगा निराकरण। इसको लेकर एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि महिलाओं के लिए एक ऊंचा महिला हेल्प डेस्क कक्ष उपलब्ध कराया गया है,
जिसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें केवल महिला अधिकारी बैठेंगे और जो महिलाएं शिकायत लेकर आएंगी उसको खुलकर चर्चा कर सकेंगी और साथ ही पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराएगी और संबंधित शिकायत पर अंत तक जाँच करेंगी। और SDO पर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि डेस्क के माध्यम से महिलाओं को मेडिकल उपलब्ध कराना है और संबंधित विभाग से जो महिलाओं के लिए सहायता आती है उसकी जानकारी उपलब्ध कराना ये विशेष मकसद रहेगा। नसुलागंज से संवाददाता पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। खबर मिल रही है चिनोर से। चिनोर कब्जा हटाने के एवज में चिनोर तहसील के रीडर बाबू कुलवंत सिंह रावत को 15,000 रुपए रिश्वत के साथ लोकायुक्त टीम ने 7 नंबर चौराहे के पास पकड़ा है। एक बार फिर आपको बता दें, चिनोर कब्जा हटाने के एवज में चिनोर तहसील के रीडर बाबू कुलवंत सिंह रावत को 15,000 रुपए रिश्वत के साथ लोकायुक्त टीम ने 7 नंबर चौराहे के पास से पकड़ा है। संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। तो अनुभागीय अधिकारी के ऑर्डर से जो है 12/3/2021 को आदेश हो गया था वहाँ का लीडर SDO के लिए, वहाँ चला गया, वहाँ का चार्ज भी ले लिया और जिस बाबू से चार्ज लिए वो यहाँ चिनौर में आके काम कर रहा है और हमने जो है दूसरे को लीडर बना दिए। ये तो 12 तारीख से ही वो नहीं आता है, नहीं आया है और इसको पकड़े हैं वहाँ बाजार मार्केट, पता नहीं यहाँ क्यों ले आए हैं उनको तहसील। ऐसा अपनी तहसील कार्यालय से इसका कोई संबंध नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ से कोई संबंध नहीं है, SDO के यहाँ वो चला गया है, रीडर भी SDO का ही है। क्या नाम था बाबू? कुलवंत जी बाबू। दिनांक 16/3/2021 को हमारे पास फरियादी प्रमोद कुशवाहा आया था कि उसकी ज़मीन के कब्जा दिलाने के एवज में जो रावत साहब बकी बाबू हैं कुलवेंद्र सिंह रावत, वो उससे 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा था कि साहब का नाम है ये ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है देख लेंगे आगे पीछे। तो फिर वो दिनांक 23 तारीख को उसको, फिर हमने 16 तारीख को ही हमने जो है उसको रिकॉर्डर दिया था जिस पर वो यहाँ आया था और यहाँ रावत बाबू से चर्चा की तो रावत बाबू ने उससे पैसे की मांग की, जिस पर वो 23 तारीख को हमारे पास आया था और उसने पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसकी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट थी वो हमको बताई, उस पर हमने रावत बाबू के खिलाफ अपराध धारा 7 PC Act 1988 का संशोधित अधिनियम 2018 का रजिस्टर्ड किया था। आज जब ऐसा लगा कि आज वो जो है ना रिश्वत राशि प्राप्त कर सकते हैं, छुट्टियां थी इसलिए उन दिनों नहीं आए, आज हमने उसको ट्रैप करने के लिए यहां आए और यहां पे 7 नंबर चौराहे पर रावत बाबू जो फरियादी प्रदीप प्रमोद को मिले और उन्होंने उससे 15,000 रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त की और उसके बाद जब वो चिनोर की तरफ भागे तो उनको घेर कर पकड़ा गया, उनके हाथ धुलवाए गए तो उनके हाथ लाल हो गए, उनमें कलर्ड हो गया, लाल कलर का पानी आ गया धोवन उनके। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आप ने जो रिश्वत की राशि 15,000 रुपये प्राप्त की है वो कहाँ है, तो उनकी पीठ पर टंगे हुए एक बैग में उन्होंने 15,000 रुपये रख लिए थे जो उनसे निकलवाए गए और उनसे 15,000 रुपये बरामद किए। इस प्रकार रावत बाबू ने एक ज़मीन के कब्जा दिलाने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत ली, आज हमने उनको पकड़ा और उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया। तहसील कार्यालय के बाबू कुलवेंद्र सिंह रावत ने फरियादी प्रमोद सिंह कुशवाहा से उसकी ज़मीन का कब्जा दिलाने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, आज जिसको 15,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज।
कि इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए, इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए, और इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत ही करते रहे। वाह, इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत ही करते रहे। इसलिए सुख भी हो सारे और याद हो इशारा।